हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर दोस्तों आप TGT, PGT और LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो ये यूपी टेट और CTET अन्य परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसमें आपको PCS, IAS से लेकर और जो छोटे एग्ज़ाम हैं उनके प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपको विदित होगा कि अगर आप प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों बिना प्रैक्टिस सेट के हम परीक्षा में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए और वन लाइनर क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिस मिल सके कि हमने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला नंबर है, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य टारगेट क्या था? तो मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए और अंतिम टारगेट उसका सोमनाथ का मंदिर था। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? नूर जहां का वास्तविक नाम बताना है, मेहरुनिसा नूर जहां का वास्तविक नाम था। अगला देखिए, किस मुग़ल सम्राट की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, जिसके बारे में कहा गया वह जिंदगी में भी गिरा तथा आधे मुँह गिरकर जिंदगी से चला गया? यह कथन हिमाऊ के बारे में कहा गया है। आगे देखिए, चौथा नंबर, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर। आगे, वास्को डिगामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। सातवां है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थल व आयोजनकर्ताओं के संबंध में क्या सही क्रम क्या है? तो पहला जो हुआ था, पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था और यहाँ जो आयोजनकर्ता थे कौन थे? अजात शत्रु। दूसरा वैशाली में हुआ था, इसका जो थे कालाशोक। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, इसके अशोक और कश्मीर के कनिष्क थे। आठवां नंबर देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री भारत आया था? मेगस्थनीज आया था और इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। आगे देखिए, 9 नंबर, किस मुग़ल सम्राट के संबंध में महरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख से जो किससे जानकारी मिलती है, किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। 10वां नंबर, फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर शहर की नींव डाली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इनका नाम जूना खां भी था। फिरोज शाह तुगलक ने इस जो जौनपुर की स्थापना की थी वो जौना खां नाम था, जूना खां या कहीं जौना खां, उन्हीं के नाम पे किया गया था ये जौनपुर की स्थापना, और इनको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला है 12 नंबर, शेर शाह की मृत्यु उसकी अंतिम विजय के समय हो गई थी, यह अंतिम विजय कौन सी थी? तो कालिंजर की विजय थी, कालिंजर के विजय के समय शेर शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला है 13 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था।
आगे देखिए 14 नंबर, मारवाड़ के किस वीर ने आजीवन औरंगजेब के जेब से संघर्ष किया किंतु आत्मसमर्पण नहीं किया, तो वो कौन थे? दुर्गादास। 15वां नंबर देखिए, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? ग्रंथ साहिब को। अगला है 16 नंबर, दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी का स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने अपने शासन अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किसने की थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने क्या किया था? अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की क्या की थी? सुविधा प्रदान की थी। आगे, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उनकी रचना के कारण 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? संहिता है, ब्राह्मण, अड़यक और उपनिषद। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर है दोस्तों, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थाई शासन की नींव अपनाई, नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। अगला है, इलाहाबाद संधि के किन दो पक्षों के बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। 24 नंबर देखिए, मानव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है? गेहूं और कपास। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? तो ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? तो सोम यज्ञ का। आखिरी क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित की थी? उदयन ने। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और आप लोगों को धन्यवाद।